गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुजा कुमारी है। मैं अपग्रेडेड हाई स्कूल पांडेपुरा में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं वर्ग 8 की भाषा मंजरी पुस्तिका की कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा, जैसे शीर्षक से ही पता चलता है कि इसमें एक पुष्प, एक फूल, उसकी क्या अपनी अभिलाषा है, क्या इच्छा है, क्या चाह है उसकी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे बड़ी सेवा देश सेवा माना जाता है। हर नागरिक को अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। जो इसमें सक्षम है वो भी, और जो सक्षम नहीं है वो भी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक पुष्प, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, उसकी भी इच्छा है कि मेरा भी उपयोग अपने देश की सेवा के लिए किया जाए। लेकिन किस प्रकार से किया जाए, उसको हम लोग कविता के माध्यम से देखेंगे। पुष्प कह रही है, पुष्प चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा गाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारे को लग जाऊं। पुष्प की इच्छा है कि वो सुरबाला, मतलब देव कन्या के गहनों में केवल ना गुंथा जाओ। चाह नहीं प्रेमी माला, और ना ही प्रेमी माला, प्रेमी प्रेमिका के मालाओं में बनकर मैं एक दूसरे को लग जाऊं। फिर क्या चाहते हैं, चार नहीं सम्राटों के सौ पर हरी हरी डाला जाओ, चार नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाओ। कह रहे कि मैं सम्राटों के सौ पर, बड़े बड़े महापुरुष की मृत्यु होती है तो उनके सवों पर मुझे डाला जाता है, लेकिन मैं चाह, मेरी इच्छा है कि मुझे ना डाला जाए, और ना ही केवल पूजा अर्चना में मेरा उपयोग हो। मैं देवों के सिर पर भी चढ़कर अपने आप को भाग्यवान नहीं समझना चाहती। क्या चाहती है फिर इस लास्ट पैराग्राफ में, वो कह रही है, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पद पर मैं देना फे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। उसकी इच्छा है कि हे वन माली, तू मुझे तोड़कर उस पद पर फेंक देना जिस पद पर जाकर, जिस पद से होकर जो वीर सैनिक है अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए जाते हैं, ताकि मेरा भी कुछ मातृभूमि की सेवा में महत्वपूर्ण